देखो भाई, ये हमारे किसान भाई लगे हुए हैं कुछ करने के लिए यहाँ पे। ये फसल आपके है भाई? ये मतलब कितना नुकसान हुआ आपका यहाँ पे? सर मैंने जो बाकी पे बोलते हैं सर, ये मैंने बाकी पे फसल उठाई थी। मेरे पास खुद की जमीन तो है नहीं सर, जो कि मैं ले सकूँ। मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ सर। तो लगभग कितना नुकसान हो चुका होगा सर आपका मैं यहाँ पे? इसमें लगभग 40,000 रुपये का नुकसान, 40,000 रुपये लागत लगा चुका था। मेरे पास 20 बीघे जमीन है। जी, तकरीबन ये नुकसान कम से कम 1 से 1.5 लाख का नुकसान हो चुका होगा आपका कम से कम ये। सर 1.5 लाख तो नहीं है, पर मैं 1 लाख में समथिंग मैं ब्याज पे ले चुका हूँ सर। 3 रुपये सैकड़े ब्याज पे 1 लाख रुपये ले चुका हूँ किसी से। तो आप सरकार से कुछ कहना चाहोगे आप? सर सरकार से मैं यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि मेरी कम से कम थोड़ी बहुत हेल्प कर दें तो मैं आपका बहुत बहुत बहुत, बहुत आभारी रहूँगा। तो भाइयों, जो आप जो इस समय आप ये वीडियो देख रहे हो, ये गांव डांगोली से है जो कि वृंदावन में पड़ता है ये। तो कम से कम भाई ने 40,000 रुपये की लागत लगा चुके थे इसमें, लेकिन ज़्यादा नहीं तो उनको मुनाफा नहीं तो कम से कम घाटा ही का 40,000 रुपये अगर मिल जाए तो हम यही सरकार से गुजारिश करते हैं कि उनको कम से कम उनका जितना लगाया था उन्होंने इतना लेकर निकल पाए अपना का। बाकी ये हमारे भाई हैं, भाई आप अपना नाम पूछ सकते हैं आप? सर मेरा नाम मुकेश कुमार है, मैं बघेल समाज से परिचित हूँ सर। मैं सर मेरे पास और कोई उपचार नहीं है सर। मैं खेती के अलावा कुछ और कोई बिजनेस नहीं है सर। मैं गमार आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ। आप रहने वाले कहाँ के हो? सर मैं डांगोली से रहने वाला हूँ। अपना पूरा एड्रेस बता दीजिए सर। मैं डांगोली गांव डांगोली मार्ट जिला मथुरा और तहसील मार्ट से रहने वाला हूँ। सुहास आप देख सकते हो ये कितना नुकसान हुआ भाई का। देख लो, ये सब फसल बर्बाद हो चुकी है जो कि काटने पर भी कुछ भी लाभ नहीं मिल पाएगा। लेकिन मैं सरकार से ही गुजारिश करता हूँ कि भाई को कुछ ना कुछ मिल जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नुकसान बहुत ही हो गया। ये हमारे देश के किसान हैं, अगर यही सुरक्षित नहीं है तो फिर आगे क्या ही होगा। धन्यवाद।